बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 परसेंटेज के लेसन नंबर 3 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो वीडियो एंड तक देखना, इसके मत करना। ये हमने इसकी प्रैक्टिस भी की थी, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने सारे सॉल्व कर लिए थे इससे पहले जो हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए थे। अब आज हमने सॉल्व करनी है एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या क्या हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कह रहे हैं, प्रिया हैज़ अ बॉक्स ऑफ 300 रेड एंड ब्लू बीड्स। एक बॉक्स है, उसके अंदर हमारे पास ब्लू और रेड दोनों तरह की बीड्स हैं और इसका टोटल हमें बता रहे हैं कि वो टोटल उनका 300 है। 30% ऑफ द बीड्स आर रेड एंड द रेस्ट आर ब्लू। तो अब अगर टोटल हमारे पास 300 है तो ये हमारे पास 100% हो गया। इसमें से हमें बता रहे हैं कि रेड हमारे पास कितनी है, 30% रेड है, तो बाकी जो बचेंगी वो हमारे पास 70% हो गई, यानी ब्लू बीड्स हमारे पास उसकी परसेंटेज 70% है। क्योंकि टोटल हमारे पास जो 100% है उसमें सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक रेड है एक ब्लू है। अगर एक की परसेंटेज पता चल जाएगी तो दूसरे की खुद ब खुद पता चल जाएगी, कोई उसमें मुश्किल बात है ही नहीं। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, 30% ऑफ द बीड्स आर रेड, सो 70% आर ब्लू। अब तीनों की परसेंटेज हमें पता चल चुकी है, टोटल भी हमें पता चल चुका है क्वांटिटी में, सिर्फ क्या रह गया, हाउ मेनी रेड बीड्स आर देयर। तो रेड बीड्स हमारे पास कितनी होंगी, रेड बीड की परसेंटेज से हम टोटल की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रिलेशनशिप हमने कई दफा देखा कि जब भी किसी क्वांटिटी की परसेंटेज गिवन हो और टोटल गिवन हो, ये दो चीजें आपको याद रखनी है, टोटल और पार्ट की परसेंटेज, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पार्ट की वैल्यू पता चल जाएगी, पार्ट की क्वांटिटी पता चल जाएगी कि 300 में से कितनी रेड बीड्स हैं अगर वो 30% ऑफ 300 हैं। तो 3 3s are 9 और हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 90। इसका मतलब है 90 हमारे पास रेड बीड्स हैं और बाकी बच गए 210, तो वो सब की सब हमारे पास ब्लू होंगी। क्यों? क्योंकि वो 70% है, 70% ऑफ 300 हमारे पास 210 आता है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने सिंपल क्या करना है, नंबर ऑफ रेड बीड्स निकालने के लिए 30% ऑफ 300 की स्टेटमेंट लिखेंगे। 30% का मतलब है 30/100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 300 से। 0000 से कट हो गए, बच गया 3 3s are 9 और 0 लगा दिया तो ये आ गया 90 रेड बीड्स उसके पास हैं आउट ऑफ 300 और बाकी की सारी ब्लू बीड्स होंगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, अ क्लास हैज 20 गर्ल्स एंड 16 बॉयज। एक क्लास के अंदर दो तरह के बच्चे हैं, एक कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज हमें बता दिए, 30% ऑफ द गर्ल्स गो टू स्कूल बाय बस, हाउ मेनी गर्ल्स इन द क्लास गो टू स्कूल बाय बस। अब देखिए, सवाल आपके लिए बहुत सिंपल भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। आपको इन्होंने बताया कि एक क्लास में 20 + 16 यानी कि 36 बच्चे हैं, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहे हैं, 30% ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स का 30% यानी कि 30% ऑफ गर्ल्स कितनी है, 20। 30% ऑफ 20 जो गर्ल्स हैं वो स्कूल बस से जाती हैं, ठीक है। अब बताइए, हाउ मेनी गर्ल्स इन द क्लास, बताइए कितनी गर्ल्स क्लास के अंदर बस से जाती हैं। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल ये करना है कि 30% ऑफ 20 हमने कैलकुलेट करना है, बॉयज़ को हमने नहीं छेड़ना। हर क्वांटिटी जो गिवन है उसको आपने हाथ नहीं लगाना होता, कभी कभी कुछ चीज़ें आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए भी दी जाती हैं। देखो बच्चों, अगर इन्होंने सवाल में हमसे कहा होता कि 30% ऑफ द टोटल चिल्ड्रन इन द क्लास गो बाय स्कूल बस, तो हम टोटल ऑफ द चिल्ड्रन कैलकुलेट करते। इन्होंने क्या कहा, 30% ऑफ द गर्ल्स, ऑफ द गर्ल्स, ये ऑफ और द गर्ल्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो यहां पर हमें 30% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, द गर्ल्स मतलब 20, हमने 30% ऑफ 20 कैलकुलेट करना है, हमने 30% ऑफ टोटल कैलकुलेट नहीं करना। ये क्वेश्चन को जिसने समझ लिया आंसर उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है, आंसर निकालना कभी भी मुश्किल बात नहीं होती, क्वेश्चन को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आप 30% को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें 0 0 से, फिर 0 0 से कट हो गया, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर 3 2s are 6, इसका मतलब है कि सिर्फ 6 लड़कियां गर्ल्स जो हैं क्लास में से वो बस से जाती हैं, बाकी 20 - 6 14 गर्ल्स जो है वो और बाय अदर मीन्स आ रही होंगी स्कूल के। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कह रहे हैं, देयर वर 360 पीपल एट अ कॉन्सर्ट,
40% ऑफ देम, 40% ऑफ देम, देम किसकी तरफ जो है वो रेफर कर रहा है, पीपल की तरफ, यानी 40% ऑफ द पीपल। तो ये छोटी छोटी चीजें अपने पास नोट डाउन कर लिया करो, 40% ऑफ द पीपल। तो यहां पर पीपल की बात आएगी, 40% ऑफ पीपल की, तो इसका मतलब है 40% ऑफ 360 की बात हो रही है, वर अडल्ट, यानी अडल्ट की हमें यहाँ परसेंटेज बताई जा रही है कि वो 40% है, और टोटल पीपल कितने हैं, 360, यानी अगर हम 40% ऑफ 360 कैलकुलेट करते हैं तो हमें नंबर ऑफ अडल्ट पता चल जाएंगे। एंड द रेस्ट, यानी बाकी सारे के सारे, तो 40% का रेस्ट कितना होगा, 100 - 40, यानी 60%। रेस्ट का मतलब क्या है, आप इसके ऊपर लिख लीजिए, 60% ऑफ 360, ठीक है, ये 40% ऑफ 60 अडल्ट्स का है, और रेस्ट यानी 60% ऑफ 360 वर चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर देयर एट द कॉन्सर्ट। तो हमने ये पता लगाना है बच्चे कितने हैं, हमने अडल्ट्स की बात नहीं करनी। अब आप चाहें तो इसके अंदर अडल्ट्स की परसेंटेज से नंबर ऑफ अडल्ट्स निकालें और 360 में से सब्ट्रैक्ट कर लें, दो स्टेप्स में अपना काम करें, और चाहे तो आप यहां पर परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन पहले कैलकुलेट करें 100 में से 40% माइनस करके, और सिंपल जो चिल्ड्रन की परसेंटेज है उसको टोटल से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैलकुलेट कर लें। इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हमें पता है कि टोटल नंबर जो होता है हमारे पास वो हमेशा 100% होता है। तो अब यहां पर हम सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे कि यहां पर हमारे पास अगर हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालने हैं तो सिंपल हम यहां पर उसकी जो परसेंटेज है उसको टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसकी परसेंटेज कितनी है, 60% ऑफ टोटल कितना है, 360। बस ये चीज अगर आपने समझ ली स्टूडेंट्स तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो 60/100 मल्टीप्लाई बाय 360, 0 0 से ये 0 0 से कट हो गया, 6 को आपने सिंपली 36 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 216 चिल्ड्रन। इसका मतलब है कॉन्सर्ट के अंदर 216 बच्चे हैं और बाकी सबके सब बड़े होंगे। और आप चाहें तो यहां पर 40% ऑफ 360 निकाल लेते, तब आपके पास यहां पर आंसर आता 144, और आप जब 360 में से 144 सब्ट्रैक्ट करते तो फिर आपके पास दोबारा से 216 चिल्ड्रन आंसर आ जाता। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच सेज मीलिंग एंड प्रिया हैड अ टोटल ऑफ $160। फिर से हमें टोटल बता दिया, टोटल ही हमारी असल जड़ है, उसको हमने पकड़ कर रखना है, ठीक है। अभी हर जगह हमें टोटल बताया जा रहा है, ठीक है, तो हमने यहां पर कहा भाई टोटल 160 है तो ये हमारे पास 100% है। आगे चलते हैं, द अमाउंट ऑफ मनी मीलिंग हैड वॉज 20% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना है 160 का 20%, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट असल है, इसको हमने जो है वो क्या कर लिया, चेंज कर लिया, 20% मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट ऑफ मनी ऑफ 160। और ये क्या चीजें हमारे पास, ये मीलिंग का अमाउंट ऑफ मनी है, यानी कि मीलिंग और प्रिया के पास मिलाकर अगर $160 हैं तो उसमें से मीलिंग के पास 20% इंटू $160 हैं, ठीक है। तो प्रिया के पास कितने होंगे स्टूडेंट्स, अगर मीलिंग की परसेंटेज 20% है आउट ऑफ 100, तो प्रिया की परसेंटेज कितनी होगी, 100 - 20, दैट इज 80% ऑफ 160 हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पर अगर आपने ये चीज समझ ली स्टूडेंट्स कि आपके पास जिसकी क्वांटिटी बताई है परसेंटेज के अंदर, वही उसी की क्वांटिटी आपसे पूछी है या दूसरे की पूछी है, तो अगर जिसकी परसेंटेज बताई है उसकी क्वांटिटी नहीं पूछी तो टोटल में से उसकी परसेंटेज को माइनस करके दूसरे की आपने परसेंटेज निकालनी है और उस परसेंटेज को टोटल से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास जिसकी आपको परसेंटेज नहीं बताई उसकी क्वांटिटी निकल आएगी। 80% प्रिया की क्वांटिटी होगी क्योंकि 20% मीलिंग की है, तो हमने कहा 80% ऑफ 160 हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 80/100 मल्टीप्लाई बाय 160, 0 0 दोनों जीरोस के साथ कट हो गए, बच गया 8 × 16, तो हम 16 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये देखिए हमारे पास आंसर आ गया है $128। इसका मतलब है कि मीलिंग के पास 20% जो है वो 160 - 128 करेंगे हम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा $32। 128 + 32 $160 होते हैं, इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है विच सेज वीलिंग सेव्ड $15 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर। हर महीने वो $15 सेव कर रहा है एक साल तक, तो एक साल में उसने कितना सेव कर लिया होगा, 15 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 12 से, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है, एक महीने में अगर $15 है, दो महीने में $30, तीन महीने में 15 × 3, चार महीने में 15 × 4, 12 महीने के अंदर 15 × 12, 15 को 12 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 180, ठीक है, करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर ही स्पेंड 20% ऑफ हिज सेविंग्स। अब ये जो $180 इसने
सेव किए हैं ना, सेविंग्स का मतलब क्या है, 20% ऑफ इस सेविंग्स, सेविंग्स यानी 15 × 12 जो आपके पास $180 आए हैं, तो 20% ऑफ 180 उसने क्या किया, अपनी मदर के लिए एक प्रेजेंट खरीद लिया, बाकी 80% उसने अभी भी बचा कर रखे हैं। हाउ मच डिड ही डिड द प्रेजेंट कॉस्ट, लेकिन हमें 80% नहीं पता लगाने, हमें 20% ऑफ 180 ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो उसने सेव किया है प्रेजेंट बाय करने के लिए, वही हमसे पूछ रहे हैं कि प्रेजेंट की कॉस्ट कितनी होगी अगर वो उसके 20% ऑफ सेविंग्स के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, 20% ऑफ इस सेविंग्स को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सारा डेटा लिखेंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, और सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट तो कैलकुलेट करनी है बस। कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट हमारे पास कैसे निकलेगी, परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट, यानी कि हमारे पास 20% ऑफ टोटल विद, यानी कि हमारे पास 20% ऑफ 180 हमें कैलकुलेट करना है। तो 20/100 मल्टीप्लाई बाय 180, 0000 से कट हो गए, 2×18 बचा और आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पर 36। इसका मतलब है कि उसने $180 में से $36 का अपनी मम्मा के लिए प्रेजेंट खरीद लिया, और बाकी जो पैसे उसके पास हैं दैट इज $144 अभी भी उसकी सेविंग्स में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम माइंड वर्कआउट और मैथ्स चैलेंज वगैरह भी करेंगे, और अगर आप स्टूडेंट्स मुझसे ट्यूशंस लेना चाहते हैं तो मैंने पर्सनल बच्चों के लिए ग्रुप ट्यूशंस भी स्टार्ट की हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।